तो हरे कृष्णा और हर हर महादेव दोस्तों, तो वेलकम टू आवर चैनल और मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त केविन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग खेलने वाला माइनक्राफ्ट, लेकिन आज मैं माइनक्राफ्ट के अंदर आप लोगों को बताने वाला हूँ माइनक्राफ्ट के कुछ ऐसे अननोन सीक्रेट जो कि आपको इस वीडियो के देखने से पहले पता ही नहीं। तो इसी बात में वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब भी, ताकि हमारे नीचे बढ़ सके। एंड डोंट लूज योर इंपॉर्टेंट टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन, तो गाइस माइनक्राफ्ट तो आपने जरूर देखी होगी, लेकिन गाइस क्या आपको लोगों को पता है किसने माइनक्राफ्ट को बनाया? तो गाइस मैं बताता हूँ। करीब 200 साल पहले माइनक्राफ्ट के जितने भी विलेजर्स थे वो रिसोर्सेस के तलाश में कई नीचे या केव्स के नीचे चले जाते, ताकि उनको आयरन, डायमंड्स, गोल्ड ऐसे ही कई सारे खजाने टाइप थिंग्स मिलते रहे। लेकिन गाइस वहाँ पर जाने के बाद कई सारे विलेजर्स को जो है इन्फेक्टेड हो जाते हैं एक वायरस की मदद से, और उसके बाद वो सारे के सारे विलेजर्स धीरे धीरे मरना स्टार्ट कर देते हैं। और उसे देख के जितने भी बाकी के बचे हुए विलेजर्स थे, उन्होंने सोचा कि इनको ट्रैप कर देते और खुद भाग जाते। जिसके बाद उन्होंने क्या किया था, इन लोगों को माइनक्राफ्ट के अंदर ट्रैप कर दिया था और खुद ऊपर भाग आए थे। और उस समय जो विलेजर्स मरने वाले थे, उन विलेजर्स ने इन चर्च के अंदर अपना सारा कीमती सामान रख दिया था ताकि सुरक्षित रहे। लेकिन गाइस क्या बोलूं यार, ये पैसे का लालच मतलब कभी नहीं जाएगा। मरते समय भी पैसा ताकि सुरक्षित रहे, इसका व्यवस्था करके जाएंगे। नंबर टू, गाइस आपने तो माइनक्राफ्ट के अंदर ये जो है वाइट तो देखी होगी, लेकिन गाइस क्या आप लोगों को पता है वाइट के अंदर आप अगर गिर जाते हो, चाहे आपके पास नेदरराइट का आनवार हो, चाहे आपके पास टोटम ऑफ अंडाइनी क्यों ना हो, आपको कोई नहीं बचा सकता। क्यों जानते हो गाइस? क्योंकि वाइट असल में एक ब्लैक होल है, जहाँ पर आपकी जो आपका जो शरीर है वो बार बार स्ट्रेच यानी कि दबता हुआ जाता है, जिस वजह से आपको कोई भी आनवार और धूल वूल कुछ भी नहीं बचा सकता। सीक्रेट की तरफ नंबर थ्री, तो गाइस अगर आप लोग एक एनविल रखते हो और उस एनविल के अंदर अगर आपने एक एनविल के अंदर वो नेम टैग रखा हो, उस नेम टैग के अंदर अगर आपने लिख दिया होगा जॉनी, गाइस देखिए मैं यहाँ पर जॉनी लिखूंगा और गाइस देखिए क्या होने वाला है। GONHN EY, हाँ जॉनी, सॉरी जॉनी की स्पेलिंग गलत हो गई, कोई बात नहीं। तो गाइस जॉनी लिखने के बाद अगर वही जॉनी वाला स्पेलिंग अगर आप किसी विंडिकेटर को अगर कर देते हो तो वो पागल हो जाता है। उसके बाद उसके पास जो भी मतलब मॉब आता है ना, वो उस मॉब को मतलब मारने लग जाते हैं, वो देखता भी ना वो इतना बहरम बन जाता। देखिए गाइस जैसे कि यहाँ पर इसने सीप को मारा, मुर्गी को मारा, फिर से सीप को मारा, फिर से अब घोड़े को मारने जा रहा है, नहीं फिर से बकरी को मारा, उसके बाद घोड़े को मारा। गाइस देखिए ऐसे सभी को मारते रहता है। ओके तो गाइस अभी बढ़ते हैं दूसरे अननोन सीक्रेट की तरफ, नंबर फोर। ओके तो गाइस आपको पहले तो एक एनविल लेना है, और उस एनविल के अंदर आपको तो पहले एक सील रखनी है, और उस सील के बाद यहाँ पर आपको प्लैंक रख देना है, और उसके बाद ये पूरी की पूरी सील जो है रिपेयर हो जाएगी, और आपका जो आयरन और प्लैंक का खर्चा वो भी बच जाएगा गाइस। ओके तो बच्चा लोगों, आज के वीडियो बस यहाँ पर ही रखते हैं, फिर दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी। और गाइस अगर आप लोगों को ऐसे ही हमारे डार्क मीम्स, डार्क सीक्रेट्स और अननोन सीक्रेट्स के ऊपर वीडियो देखनी है, तो जाके इस वीडियो पर क्लिक करो या तो इस वीडियो पे। तो आज के लिए बस इतना ही, सायोनारा, हरे कृष्णा और हर हर महादेव दोस्तों, और खुदा हाफिज़।